तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल द प्राइवेट गाइड। आज हम एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सा टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि आप अपने गोल को सेट कैसे करें। गोल, जिसको आप हिंदी में लक्ष्य भी बोलते हैं, जो हम अपने हिसाब से, अपने काम के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमें क्या अचीव करना है या हमें क्या करना है अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में, अपने, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पढ़ाई में, अगर आप काम करते हो तो आपके करियर में। आज का ये जो वीडियो है ये बेसिकली उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने लाइफ में कुछ अचीव ऑलरेडी कर चुके हैं या जिन्हें लगता है कि वो सही डिसीजन ही हमेशा लेते हैं या जिन्हें इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ की किसी भी फेजेस पे। वो उन्होंने एक स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां उन्हें, उनको इन सारी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसमें से कोई एक हैं तो आप ये वीडियो यहीं पे छोड़ सकते हैं और जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, ये वीडियो या आज का टॉपिक ये किसके लिए है, किसी के लिए। तो हम आज जो बात करने वाले हैं कि कुछ लोग होंगे अपने लाइफ में जिन्हें लगता होगा कि उनके आसपास बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए होती है, या वो सब चीज़ प्रॉपरली प्लान करते हैं, अपना गोल सेट करते हैं, लेकिन कुछ हो जाता है और वो अचीव नहीं कर पाते हैं या एक बिल्कुल ही फेल हो जाते हैं। तो मैं आपसे आज एक सीक्रेट बोल सकते हैं, एक सीक्रेट है या एक रेसिपी है जो कि सारे बड़े लोग, सारी बड़ी कंपनियां, सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यूज़ करते हैं जब वो किसी एक छोटी से छोटी डिस्कशन या छोटी से छोटी बात करते हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपने कंपनी के फ्यूचर को लेके कि ये गोल सेट कैसे किया जाए। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, 10-12-15 मिनट का हो सकता है, पर आपको भी पता है कि अगर आप शॉर्ट्स या रील्स देखने बैठते हो तो आधा एक घंटा आपका ऐसे ही पार हो जाता है और आपको पता नहीं करता। तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं प्लीज़ लास्ट तक देखें, बीच में उसके छोड़े ना, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है हमारे लाइफ डिसीजंस के बारे में, जब हम बात करते हैं कि हम डिसीजन कैसे लेते हैं या फिर हम गोल कैसे सेट करते हैं, और अगर सेट करते हैं तो हम क्या हम गोल सही तरीके से सेट कर रहे हैं, सेट कर पा रहे हैं, या हम उसको अचीव कैसे करेंगे फिर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली स्मार्ट गोल्स। हम आने वाले वीडियो में समझेंगे कि स्मार्ट मतलब क्या होता है, स्मार्ट हम किसे कहते हैं, और बेसिकली गोल बनाते क्यों हैं हम, गोल का पर्पस क्या होता है, और गोल को हम बेहतरीन वे से डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं ताकि उसे हम आने वाले फ्यूचर में अपने अचीव कर पाए। बात करते हैं कि व्हाट इज़ अ गोल, गोल एक्चुअली में है क्या। तो बेसिकली गोल एक क्लियर स्टेटमेंट है क्योंकि हम इसको प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में, वो बेसिकली गोल है। गोल आपका शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और एक लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, या सिंपल भाषा में कहे प्राइमरी गोल भी हो सकता है और उसके साथ साथ सेकेंडरी गोल्स भी हो सकता है। हो सकता है कि आप प्लान कर रहे हो कि विद इन एक बड़ा कुछ आप अचीव करना चाहते हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप वो अचीव कर रहे हो तो साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे चीज़ों भी आपको अचीवमेंट प्राप्त होगी, वो आपके सेकेंडरी गोल्स बेसिकली हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, हमें गोल सेट क्यों करना चाहिए, ये सवाल बहुत ही लोगों को अक्सर आता है। उन्हें ये लगता है कि हम खुद से ही सोच पाते हैं, खुद से कर लेते हैं, हमें गोल सेट ही क्यों करना चाहिए, वो तो अपने आप ही हो जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली इस तरह से आप लाइफ में कभी बहुत आगे या कोई बहुत बड़ी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, उसका रीज़न ये है क्योंकि जो भी मैं आज बात करते हैं, हम यह करते हैं, जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली भी वो प्रैक्टिस सेम ही चीज़ करते हैं, बस उनका नाम अलग होता होगा, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं इसमें, जो जो चीज़ पॉइंट्स हैं, वो फॉलो करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो गोल सेट क्यों करना चाहिए, अगर आप गोल सेट करेंगे पहला आपको क्लैरिटी मिलता है, जो आपका गोल आप जब डिसाइड करते हैं वो आपको क्लैरिफाई करता है कि आप एक्चुअली में क्या अचीव करने के बारे में सोच रहे हैं, और उसके लिए आपको उस पर फोकस बनाता है, क्योंकि आप एक बार अगर गोल सेट कर लिए तो आप क्लियर होते हैं कि मुझे करना क्या है। और उसका सेकंड पॉइंट है मोटिवेशन, और एक बार अगर आपने गोल सेट कर लिया, आपको पता है कि आपका टारगेट कहाँ है, तो आपके अंदर की जो भूख होती है, आपके अंदर से आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं कि हमें, मुझे इसी लक्ष्य का प्राप्त करने के लिए साइड काम करना है, तो ये आपको खुद में मोटिवेशन भी फील कराता है। और तीसरा पॉइंट है ट्रैकिंग,
जब आप गोल सेट करते हैं वो आपको एक बेटर डायरेक्शन पे ट्रैक करते हुए आगे बढ़ने का हेल्प करता है। आप इसे इस तरह से समझे कि आप जंगल में हैं, आपको एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंचना है, पर आप अगर खुद को ही ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो आप सेम ही जगह पे गोल गोल घूमते रह जाएंगे। तो एक सेट गोल आपको एनेबल करता है कि आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाए, और जो भी अगर आप उसे अचीव कर पाते हैं तो उसमें आप खुश रहे और नई गोल सेट कर पाए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एफिशिएंसी, जब क्योंकि देखिए हमारे लाइफ में प्रॉब्लम एक नहीं होती, उसी तरह हमारी इच्छा हमारा डिज़ायर भी एक नहीं होता, एक हमें सब कुछ चाहिए लाइफ में, लेकिन सब के लिए क्या हम एक साथ ही काम कर सकते हैं क्या, क्या सब चीज़ मुझे हमें एक ही बार में प्राप्त हो सकता है क्या, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर आप सेट गोल करके काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे कि आपके लिए पहले इम्पोर्टेंट क्या है, क्या करना, क्योंकि ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। रिसोर्स का जब मैं बात करता हूँ, वो हो सकता है आपका पैसा हो, आपका एसेट्स हो, या आपका समय हो, वो बहुत ही लिमिटेड होता है, तो जिससे आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ये सोचने में, डिसाइड करने में हेल्प होता है कि आप चीज़ों को पहले किस पे आप ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आपको बाद में किस में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या किस चीज़ों को आप डिले कर सकते हैं आने वाले समय के लिए, तो आपको इसमें हेल्प कर सकता है। और जो पांचवा पॉइंट है वो है पर्सनल ग्रोथ का। आप एक अगर एक बार गोल सेट करते हैं तो आपको एक सेंस मिलता है अचीवमेंट का कि आपने कुछ किया है लाइफ में। क्यों, अगर आप मान के चलते हैं कि आपने एक प्लान बनाया है कि मुझे डेली वॉकिंग करना है, ये प्लान नहीं होता आपको डेली, आपको जब आप ये प्लान करोगे कि मुझे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10,000 स्टेप्स 15,000 स्टेप्स आधा घंटा 15 मिनट करना है, और आप उसे जब अचीव करते हो तब आपको एक सेंस मिलता है अचीवमेंट का कि हाँ मैंने ये कुछ अचीव किया है, और हो सके तो मैं आगे अपने आप को और पुश कर सकता हूँ। ये था कि हमें गोल सेट क्यों करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस गोल सेट करें कैसे। तो जो कैसे मैंने कहा था, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं या जो सक्सेसफुल कंपनियाँ हैं वो इसे यूज़ करती है, और इसे हम स्मार्ट कहते हैं, जिसमें हर एक लेटर SMART का एक अलग मीनिंग है, एक एक्रोनियम की तरह आप समझ सकते हैं, और उसे हम एक एक करके आने वाले चीज़ों में समझेंगे कि वो क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ये बता दूं, ये कोई मैट्रिक्स या कोई मॉडल, कोई फॉर्मूला, कोई कैलकुलेशन, कोई जादू की छड़ी नहीं है। आप वो कह सकते हैं जो SMART है, ये एक तरह का आपका लाइफस्टाइल प्रोसेस होगा जिसे आप अपने थिंकिंग में या कोई भी डिसीजन बनाने से पहले इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप बिगिनर हैं, आपको लगता है कि आप के डिसीजन वजह से आप फेल हो पाते हैं, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल दावे के साथ ये कहूँगा कि आप पहले तो मेंटली काम करना छोड़ दें। आपको एक पेन और पेपर लेके बैठना पड़ेगा और इसे प्रॉपर वे में चैनलाइज करना पड़ेगा, तभी ये आपको बेटर रिजल्ट दे पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो जो स्मार्ट का पहला एस था, उसका मतलब होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है कि हमें बिल्कुल फोकस रहना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कैसे अर्जुन फोकस था, या फिर आपका जो कैमरा फोकस होता है, जब हम बात करते हैं कैसे आप मुझे देख सकते हैं कि मेरे लेंस मुझ पे ही फोकस है, बाकी चीज़ ब्लर है, उसी तरह आपको भी फोकस रहना पड़ेगा अपने गोल के प्रति। तो आप अगर गोल डिसाइड कर रहे हैं तो आप वेगली कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, आपको पहले पता चाहिए होगा कि आपको क्या चाहिए, उसको वो अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, आपको क्या क्या सीढ़ियों की तरफ से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकते, तो उसका रास्ता क्या है और उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको या क्या क्या अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। तो आपको पहला चीज़ है आपका गोल को आपको स्पेसिफिक रखना होगा। सेकेंड है जो एम है, एम से होता है मेजरेबल, मतलब जिसको मापनी है, जिसको आप माप सकते हैं, नाप सकते हैं। इसका सबसे इजी तरीका है चीज़ों को क्वांटिफाई करना, क्योंकि जब आप गोल सेट कर रहे हैं तो आप उसको नापेंगे कैसे कि आपने अचीव कर लिया, या बेंचमार्क आपको सेट करना पड़ेगा कि जिसे अचीव करने के बाद आपको समझ में आया कि आप प्रोग्रेस आगे कर रहे हैं कि आप जहाँ थे उससे आप पीछे जा रहे हैं। तो चीज़ों को क्वांटिफाई आपको करना पड़ेगा कि अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए,
इस सारे क्वेश्चंस को आपको पहले ही नोट डाउन करना पड़ेगा और आप अपने अपने अचीवमेंट्स को एक डालना पड़ेगा मैट्रिक में, किसे आप अचीव कर रहे हैं या फॉलो नहीं कर पा रहे, इसको आप माप सके, तभी आप अपने आप को उसको रिव्यू कर पाएंगे। और उसके बाद आता है हमारा ए, जो कि है अटेनेबल। जब हम बात करते हैं गोल सेटिंग के लिए, तो हो सकता है कि मैं सपना हो कि मैं एक टाइम मशीन बना लूँ, पर हो सकता है अटेनेबल ना हो अभी के लिए एटलीस्ट। तो आपको पहले रीजनेबल लेना पड़ेगा कि आपने जो गोल सेट कर रहे हैं वो अटेनेबल है कि नहीं, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसके लिए आपके पास पॉसिबल स्किल्स, रिसोर्सेस या एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो कहाँ से आने वाला है, क्योंकि अगर आएगा नहीं और आपके पास है भी नहीं तो होगा नहीं। तो इस पे आपको क्लियर रहना पड़ेगा और उसको रियलिस्टिक आपको बनाना पड़ेगा। ये तभी आप कर सकते हो जब आपको पता हो कि जो आप सोच रहे हो वो पॉसिबल है कि नहीं, और अगर है तो क्या क्या चाहिए उसके लिए, तो आपको उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो है वो है रेलेवेंट, जो आर है स्मार्ट का, वो तो है रेलेवेंट या रेलेवेंसी। अगर हम कुछ अचीव करने के बारे में कुछ गोल सेट कर रहे हैं तो उसका रेलेवेंस भी तो होना चाहिए, क्योंकि हम ये गोल्स अगर सेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बेसिकली ये क्यों है, वाई, WHY क्वेश्चन मार्क, कि अगर हम कुछ कर रहे हैं उसका रेलेवेंस क्या है हमारे लाइफ में या हमारे सोसाइटी में, उसका रेलेवेंस क्या है। अगर इसे हम अचीव कर पाते हैं तो फ्यूचर में ये इसका स्केलेबल होगा कि नहीं होगा, फ्यूचर में अगर रेलेवेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, और ये आपको हेल्प करेगा एक बड़ा पिक्चर देखने के लिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, अगर हमें लगता है कि कुछ चीज़ बहुत ही अच्छा है जो हम सोच रहे हैं, पर हो सकता है कि उसका कोई रिलेवेंसी ना हो आपके लाइफ में, तो वैसे गोल सेट करके और उसमें अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह अगर उसका रिलेवेंसी आपके लाइफ में नहीं रहेगा, तो अगर गोल आप अचीव भी कर लेंगे तो आपको मोटिवेट नहीं करेगा, उल्टा वो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं आपको ये बाद में फील होगा कि आपने इतना मेहनत किया, इतना टाइम दिया, लेकिन आप उसका कोई रिलेवेंस आपके लाइफ में रहा ही नहीं। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसका टी। जब हम बात करते हैं गोल या कुछ भी चीज़ करने का लाइफ में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इज टाइम बाउंड। क्योंकि सारे रिसोर्सेस हो सकते हैं आपके पास हो, बट टाइम ही ऐसा चीज़ है जो सबके लिए सेम ही है, और आप इसको अपने हिसाब से आपको खर्च करना होगा। हफ्ते में 7 दिन ही होगी, दिन में 24 घंटे ही होंगे, महीने में 30 दिन ही होंगे, और साल में 365 दिन ही होगा। इसमें वो चाहे मिस्टर अंबानी हो, मिस्टर अडानी हो, एलन मस्क हो या आप हो, सबके लिए कैलेंडर और घड़ी का टाइम सेम ही होता है। बट जब हम SMAR तक चीज़ें को डिसाइड करते हैं, सबके अगेंस्ट हमें टाइम पुट करना पड़ेगा कि अगर हम ये चीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए रीजनेबल टाइम क्या होगा, क्या होना चाहिए, या हम कब तक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये उसी तरीके की बात हो गई कि अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने आपसे 1000 रुपये उधार लिया और मैं कहूँगा मेरे पास जब होगा तब दूंगा, तो आप इस तरह से आप भी किसी को नहीं दोगे। आप पूछोगे कि ठीक है आप एक टाइम दे दो, 1 महीना 2 महीना 2 साल 5 साल 10 साल, ताकि आप उसको ट्रैक कर सको, उस हिसाब से अपना बाकी चीज़ों को प्लान आउट कर सको। और एक टाइम अगर आप डेडलाइन पे फेल होते हो, तो एटलीस्ट डेडलाइन पे फेल होने के बावजूद एक एक्स्ट्रा बफर ऐड करके आप वो काम को अचीव कर पाओगे। लेकिन अगर डेडलाइन ही नहीं होगा तो मोस्ट प्रोबेबली कभी अचीव ही ना हो। तो आपको वेरियस टाइम के रिलेटेड एंड पॉइंट्स और चेक पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें कि आप देख पाओगे कि आपको और टाइम की ज़रूरत है या कम टाइम में आप उसको अचीव करके एनकॉम्प्लिश कर पाओ चीज़ों को। अगर आपकी गोल सेटिंग ही टाइम बाउंड नहीं होगी तो आप जो सोच रहे हो कभी शायद प्रैक्टिकली एकॉम्प्लिश ही ना कर पाओ आप। क्यों? क्योंकि आप बाकी चीज़ स्ट्रेटेजी प्लानिंग सब कुछ आपका सही जा रहा है, पर आप उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम नहीं दे पा रहे हो। और अगर सही टाइम पर सही चीज़ ना हो पाए तो शायद उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप स्ट्रेटजी कितना भी अच्छा हो, आपके आप कितना अच्छे इंसान भी हो, उसका कोई वैल्यू सोसाइटी में हमारा रियल लाइफ में रह नहीं जाता। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट स्मार्ट के बारे में, जिसके बारे में हमने बात किया आज, जो कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। अब बात करते हैं हम इसे प्रैक्टिस कैसे करें। तो आपको गूगल पे या कहीं पे बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। इसका टेम्पलेट में बेसिकली कुछ होता नहीं है, आपको लिस्ट करना पड़ता चीज़ों को। फॉर एग्जांपल समझते हैं कि जब आप बात करते हैं कि मैं खाने का एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद वो सब हर लेवल के लोगों को समझ आ पाए।
अगर आप आपको एक बिरयानी बनाना है, या आपको कह सकते हैं कि मुझे आज मेरे घर पे आज गेस्ट आने वाले हैं रात में, उनके लिए मुझे खाना बनाना है, तो मुझे पहले स्पेसिफिक करना होगा अपना मेन्यू। अगर मुझे खाना बनाना है तो मैं कुछ भी नहीं बना सकता या सब कुछ नहीं बना सकता, राइट? तो मैं क्या बनाना चाहता हूँ, हो सक मैं तो मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा एक 3-course meal होगा, जिसमें स्टार्टिंग में कुछ स्टार्टर होगा, एक मेन कोर्स होगा और एक डेजर्ट होगा, राइट? अब मुझे हर एक चीज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, स्टार्टर में क्या होगा, मेन कोर्स में क्या होगा, डेजर्ट्स में क्या होगा। अब मैं अगर डिसाइड कर लेता हूँ मेन कोर्स में मैं बिरयानी देने वाला हूँ, बिरयानी खिलाने वाला लोगों को, तो इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। उसके बाद आएगा मेजरेबल, वो मेजरेबल होना चाहिए। खाना बनाना है तो मैं एक ही बार 100 लोगों का खाना नहीं बनाऊंगा ना, मुझे पहले पता करना होगा कि मैं खाना बना रहा हूँ तो कितने लोगों के लिए बना रहा हूँ, उनका कुछ पसंद है ना पसंद है, अगर मुझे वो पता है तो मुझे वो देखना पड़ेगा। और इस तरह से मैं उसको क्वांटिफाई कर पाऊंगा कि एक बिरयानी के लिए मुझे इतना चावल, इतना गरम मसाला, इतना मसाला, इतना चिकन, इतना मटन या इतना सब्जियां की जरूरत पड़ेगी। ये होना चाहिए मेजरेबल, कि आप जो सोच रहे हैं उसको आप मेजर कर पा रहे हैं चीज़ों को। उसके बाद होता है अटेनेबल। अब हो सकता है कि मुझे बिरयानी बनाने का मन है लेकिन मुझे बिरयानी बनाना आता ही नहीं है, राइट? तो मेरे पास ऑप्शन क्या होगा, या तो मैं स्विगी जोमैटो से ऑर्डर कर लूँगा, या तो किसी कुक को हायर करना पड़ेगा, और अगर मुझे खुद बनाना आता होता तो मैं खुद बनाता। लेकिन ये तीनों केस अटेनेबल हैं। लेकिन अगर मैं सोचूंगा कि मुझे खाना बनाने भी नहीं आता और मैं स्विगी जोमैटो भी नहीं करने वाला, कुक भी नहीं हायर करने वाला, तो गेस्ट तो अपने लिए खाना खुद लेके तो नहीं आएगा ना, राइट? तो इस वे में आपको सोचना पड़ेगा कि आप जो सोच रहे हैं उसको अटेनेबल है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, हो सकता पॉसिबल है कि नहीं। उसके बाद आता है रिलेवेंस। अब मान लीजिए कि मैं एक प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ बोल सकता हूँ, पर मेरा कोई जैन या मारवाड़ी फ्रेंड्स है या गुजराती फ्रेंड्स है जो आने वाले मेरे घर पे, और मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, मुझे चिकन बिरयानी बहुत ही फेवरेट है तो मैं उनको भी खिलाऊंगा, पर मुझे इस लेकिन चिकन बिरयानी का रेलेवेंस यहाँ तो है नहीं ना, क्योंकि वो प्योर वेजिटेरियन होंगे, राइट? तो ऐसा कुछ सोच के टाइम अपना वेस्ट करके कोई वैल्यू और उसका रहा नहीं। तो रेलेवेंस भी इम्पॉर्टेंट है, जो हम सोच रहे हैं उसका प्रैक्टिकलिटी क्या है, जो सामने उसका रिजल्ट क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट था हमारा, जो कि था टाइम बाउंड का। टाइम बाउंड मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी को डिनर पे बुला रहा हूँ और मैं डिनर का खाना उनको ब्रेकफास्ट पे खिलाऊँ तो कैसा लगेगा आपको? आप ही सोचो, अगर मैं आपको अपने घर डिनर के लिए बुलाता हूँ और हो सकता है कि मैं लेट हो गया खाना बनाने में, आलू बॉयल नहीं हुआ, चावल पकया नहीं, और मैं पका रहा हूँ और सुबह के 5 बज गए 7 बज गए, तो आप उसे इंजॉय करेंगे या कर्स करेंगे या आप बेहतर दिन बता पाएंगे? तो चीज़ों को टाइम बाउंड रखना पड़ेगा। अगर हम डिनर का प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम 9 बजे का टाइम सेट करेंगे कि 9 बजे तक खाना रेडी होगा, हमें टेबल पर चाहिए। मे बी कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो 9 की जगह 9:30 या 10 हो सकता है, लेकिन हम 10 बजे तक भी अगर डिनर करते हैं तो उतना बुरा नहीं होगा शायद, जबकि अगर हम बिना टाइम सेट किए काम किए जाए। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही था स्मार्ट जो गोल सेटिंग का तरीका होता है उसका। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है, जो मैंने पहले भी कहा, तो पेन और पेपर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो विथ प्रैक्टिस ये कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में आ जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में कभी नहीं आएगा। और हाँ, जो हमारा सबकॉन्शियस है, जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है, उसका एक आदत होता है एक्सक्यूज बनाने का और आपको आलसी बनाने का। जैसे कि आप अगर आपको कुछ गोल सेट करना है तो वो आपको बोलेगा कि आप हमारे पास ही इतना ताकत है कि हमें पेन पेपर की जरूरत नहीं है कहीं ना कहीं, और वो कुछ करेगा, और कल को आप उसका ट्रैक नहीं रख पाओगे, अचीव नहीं कर पाओगे। वो अपना ऊपर से सारा एक्सक्यूज हटा लेगा। वो उसका कहना ये होगा कि शायद कोविड आ गया, वार हो गया, या बारिश हो गई और हम कर नहीं पाए चीज़ें, इसमें हमारी क्या गलती। पर गलती आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स की कभी नहीं होगी, गलती आपके इंटरनली होगी, क्योंकि आपके पास प्रॉपर लिस्टेड डाउन प्लान नहीं था, या प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, या आपका गोल ही क्लियर नहीं था कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। अगर आपको करना होता तो हाँ, फेलियर होगा, डेविएट होगा, पर आप अचीव कर पाएंगे। और अगर बात करते हैं फेलियर्स के, तो जिसे हम सेटबैक्स कहते हैं बेसिकली, तो वो रियलिटी ऑफ लाइफ की, आप इसे नहीं इनकार कर सकते कि आप जितने अच्छे प्लानिंग कर ले, आप जितने अच्छे लोग हो, कितनी मेहनत कर ले, सुबह आप कहें कि 18 घंटा 20 घंटा मैं दिन में काम करता हूँ तो मेरे लाइफ में फेलियर क्यों आ रही है, लेकिन बट फेलियर इज अ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ, जो रियलिटी है आपको समझना पड़ेगा। और ऐसा होता नहीं कि अगर मैं हम गोल सेट कर रहे हैं तो पत्थर की लकीर है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। बट गोल सेट होता है इसलिए कि ताकि आप उसको रिव्यू करके
एडजस्ट कर पाए अपने आने वाले प्लान के हिसाब से, आने वाले नीड के हिसाब से। और ये आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाता है चेक पॉइंट का। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपको बाय रोड दिल्ली से मुंबई जाना है, तो ऑब्वियसली आप बोर्ड्स और माइलस्टोन्स देखते हुए जाएंगे, राइट? अगर वो नहीं होता तो पता नहीं आप कहाँ जाते हैं। तो सेटिंग गोल सेट करना आपको इसी में हेल्प करता है। कहीं ना कहीं आपको जब आप ये एक्टिविटी करेंगे, जब आप पेन पेपर लेके बैठ के आप इस SMART को फॉलो करके चीज़ों को लिस्ट करेंगे, तो आप पहले ही बहुत सारे ऑब्स्टेकल जो आपको प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उसको आप बेहतरीन वे से देख पाएंगे, उसको बेहतरीन वे से एनालाइज कर पाएंगे, और उस हिसाब से ही आप कहीं ना कहीं सोल्यूशन उसका डिसाइड कर पाएंगे। इसका इम्पोर्टेंस यही है ताकि ये जो हम अनसर्टेनिटी है उसको हम रिड्यूस कर पाए, रिस्क को कम कर पाए और अपने गोल के अचीव कर पाए। तो आज के वीडियो में इतना ही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट में एटलीस्ट डिस्कस करें इन तरह की चीज़ों को, कि आपने अगर आप क्या फॉलो करते हैं या इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं और उसको कैसे बेहतरीन बना सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे को सीख पाए, सिखा पाए और अपने लाइफ में कुछ अचीव कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपको लगता हो कि ये उनके लाइफ में कुछ ऐड कर सके, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें प्लीज़। और थैंक यू।